अरे भाई वाह, तोरा पता बा लाल सिंह चड्ढा मूवी के चड्ढी ढीला हो गई बा। हाँ, का बात कहले यार, सही बोलत है रे भैया, तोरा नहीं पता का? का अरे वो है बॉलीवुड के कलाकार जो उनकी सत्यमेव जयते के शो चलाते हैं और कारनामा कुछ ऐसा करते हैं जो कि उनको कोई भी गाली देता है। रे बॉलीवुड का महान भणुआ कलाकार आमिर खान। नहीं समझे? समझ गए किसको बोल रहे हैं, तो बताओ तो केकरा के बोलत हनी? वही नू जिसका पीके मूवी है जिसमें शंकर जी को दौड़ाए हैं। हाँ, समझ गए, लगता है कि समझ गए, समझदार हो गए हो, इशारा से ही समझ जा रहे हो। लेकिन क्या तुमको पता है कि उनका फिल्म मुखड़िए फ्लॉप मार दिया है? ऐसे कैसे हो सकता है यार, उनका दंगल मूवी 2400 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है और इतने सुपरस्टार की मूवी के फ्लॉप कैसे मार देगी यार, हमको विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, तुमको जिंदगी में हर में कुछ विश्वास नहीं होगा। चलो मैं बताता हूँ इसका फैक्ट और इसका सच्चाई, तो ध्यान से सुनिएगा। दरअसल इस मूवी को बनाने में 180 करोड़ रुपए की लागत लगी है, लेकिन पता है ये मूवी 11 अगस्त को रिलीज हुआ था, यानी कि रक्षाबंधन की शुभ अवसर पर इस मूवी को रिलीज किया गया था। लेकिन इसका अभी तक ले टोटल कमाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया गया है सिर्फ 50 करोड़। को पैसा बर्बाद पहन चोर। ऐसा लगता है कि ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है, क्योंकि जितना मूवी में लागत लगी है उसको भी निकालने की अब औकात नहीं रह गई है लाल सिंह चड्ढा की। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट ऐसा भी आ रहा है कि लाल सिंह चड्ढा की जो राइट्स खरीदे हैं जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, वो आमिर खान पर पेनाल्टी ठोक रहे हैं, यानी कि जुर्माना ठोक रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें पैसा वापस करना होगा। आप समझ रहे हैं ना, इसके पीछे की वजह भी वही है जो पीके वाले बात कर, इसीलिए लोग बोल रहे हैं इस फिल्म को बाइकवर्ड करने के लिए, और इसी के कारण है कि आज ये फिल्म बाइकवर्ड हो गया। पता है इसमें जो एक्टर है करीना कपूर, उसने क्या कही कि अगर पब्लिक को मेरे फिल्म पसंद आता है तो जाए देखने और नहीं आता है तो मत जाए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The audience has made us, nobody else has made us. The same people pointing fingers as also, they are only making these nepotistic stars. Na, aap ja rahe ho na film dekhne, to mat jao. Lekin fir kuch statement ye raha. Fact is that they shouldn't boycott this film because it's such a beautiful film and I want people to see me and Aamir on screen. Na, after like 3 years, we waited so long. So I'm like, you know, please don't boycott this film. Because it's like actually boycotting good cinema and people have worked so hard. We've had 250 people work on this film for like 2.5 years. Koi baat nahi, hum to chutiye hain, dobara try karenge. वैसे एक बात तो क्लियर है कि अगर सोशल मीडिया की वजह से लोग जितना फेमस हो रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया अगर किसी के खिलाफ ट्रोल कर देना कि हस्ती सिर्फ छोटी सी ही रह जाएगी, तो आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं।